नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित हिंदी फिल्म इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रभात सिनेमा में रोजाना एक शो में दिखाई जा रही है, जिसमें फिल्म देखकर निकले लोगों ने कहा कि फिल्म बहुत ही ज्ञानवर्धक है और सभी को एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए। इस फिल्म को मनमीत सिंह नैयर ने बनाया है और इसके निर्देशक है कबीर दा। यह फिल्म पूर्व में जगदलपुर पर भी प्रदर्शित हो चुका है, वहां भी अच्छा प्रतिसाद मिला। बता दें कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह जाति भेद, ऊंच नीच और रंग भेद की धारणा को दूर करने में बाबा साहब ने भूमिका निभाई है और गरीबों पर अमीरों के अत्याचार और उनको कानूनी सपोर्ट दिलाना जो आज भी विद्यमान है, इन सभी विषयों को पिरोकर फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। छत्तीसगढ़ में पहले भिलाई, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और अभी रायपुर में लगी है, जगदलपुर में भी लगी है अभी। अपना परिचय। हाँ, मैं इस पिक्चर का, फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। जो बहुजनों के लिए बहुत आवश्यक था, है ना, इससे हम बहुजनों के लिए प्रेरणा मिलती है और बाबा साहब का सत्य इतिहास के बारे में जानने के लिए मिला है। इस फिल्म में पूरा हमें दिखाया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वो सब प्रावधान है जो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। तो मैं जो निर्माता और उनके कलाकारों को सबको मैं बधाई देता हूँ और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये पिक्चर को अवश्य देखें और पिक्चर का अच्छा प्रचार प्रसार करें और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये मूवी देखकर, बहुत अच्छा लगा। जो आपने किरदार निभाया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यानी अपेक्षा नहीं कर सकती मैं, इतना अच्छा आपने किरदार निभाया है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है